रहे हैं बच्चों, कैसे हैं आप? सभी स्वस्थ हैं? ठीक है, आज हम आपको हिंदी के अनिवार्य संस्कृत का द्वितीय पाठ काक श्रृंगालो कथा पढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे आपको दिख रही होगी एक लोमड़ी है। काके माने होता है कौवा और श्रृंगालो माने लोमड़ी। इन दोनों की कथा है। एकदा एक काकः बुभुक्षित आसीत। एकदा माने एक दिन, एक माने एक, काक माने कौवा, बुभुक्षित माने भूखा, आसीत माने था। एक दिन एक कौवा भूखा था। भोजनम प्राप्तु सः इष्टतः भ्रमतम। भोजन की तलाश में या भोजन प्राप्त करने के लिए वह इधर उधर घूम रहा था। सहसा माने अचानक, सः एकां रोटकां प्राप्तवान। अचानक उसे एक रोटी मिली। सः एकस्य वृक्षस्य शाखायाः उपरि उपाविशत। तां रोटिकां खादतु च अचिन्तयत्। वह एक वृक्ष की डाली के ऊपर बैठकर उस रोटी को खाने का विचार कर रहा था। तदैव तभी एकः श्रृंगाली काकः रोटकां च अपश्यत्। तभी एक लोमड़ी ने कौया और रोटी को देखा। सा तस्येव वृक्षस्य अध अतिष्ठत। और वह उस पेड़ वृक्ष के नीचे बैठ गई। यस्य उपरि काकः उपविष्ट आसीत। जिस पेड़ के ऊपर कौआ बैठा था। श्रृंगाली काकम अवदत्। लोमड़ी कौए से बोली, भो काक, अरे काक, त्वम अतीव सुंदर असि। तुम बहुत सुंदर हो। तब वर्ण मोहकम अस्ति। तुम्हारा रंग बहुत मोहक है। तब पक्षी मनोहर स्तः। तुम सब पक्षियों में मनोहर हो। तब ध्वनि अतीव मधुर अस्ति। तुम्हारा स्वर बहुत मीठा है। तब ध्वनि श्रुत्वा मम कर्णो तृप्तो भवत। तुम्हारी ध्वनि सुनकर मेरे कान तृप्त हो गए। स्वप्रशंसा श्रुत्वा काक अति प्रसन्न हुआ। अपनी प्रशंसा सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ। सदैव सह काव काव इति यदैव सह काव काव इति ध्वनि कुर्वत आरंभत। जैसे ही उसने काव काव की आवाज करना शुरू की, तदा तब तस्य मुखात उसके मुख से रोटिका भूमो अपतत। रोटी भूमि पर गिर गई। एत दर्थम एव श्रृंगाली तस्य प्रशंसाम अकरोत। एतदर्थम एव, जिसके लिए श्रृंगाली उसकी प्रशंसा कर रही थी। सा शीघ्रम एव रोटकाम गृहीत्वा, उसने जल्दी ही उस रोटी को अपने मुंह में लिया। तस्मात् स्थानात् पलायताम अखादतम च, और उस स्थान से चली गई और रोटी को खा लिया। तो ये कहानी समझ में आ गई होगी। बहुत रोचक कहानी है। ठीक है, इसके कुछ शब्दार्थ हैं। एकदा माने एक बार, भूविच्छित माने भूखा, इष्टतर माने इधर उधर, सहसा अचानक, शाखायाम माने डाली के ऊपरी माने ऊपर, उपाविशत माने बैठ गया, श्रृंगाली माने स्यारन या लोमड़ी, प्राप्तुम माने प्राप्त करने के लिए, श्रुत्वा माने सुनकर, पलायिता माने भाग गई। इस तरह से इस कहानी का पूरा सारांश आपके समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है? आपको इस वीडियो को पहले सुनना है, और सुनने के बाद इस काक श्रृंगालो
कथा को सारांश अपने शब्दों में आपको लिखना है और शब्दार्थ भी अपनी कॉपी पर लिखने हैं। कल हम आपको इसका अभ्यास कार्य कराएंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।